सौ स्क्वायर फीट छत ढलाई में। तो छत ढलाई में हमें क्या क्या क्वांटिटी लगता है, सबसे पहला हमारा सीमेंट लगता है, ठीक है, छर लगता है, ठीक है, उसके बाद गिट्टी लगता है और बालू लगता है। चार मेजर जो हमारा मटेरियल होता है, यही चार मेजर मटेरियल हमारा लगता है, ठीक है। उसके बाद कांटी वो सब अलग बात है, ठीक है, जो मेन मेजर मटेरियल लगता है हमारा यही लगता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, तो स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग। इसमें मैं क्या करूंगा, लॉन्ग कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि इससे पहले वीडियो जो बनाया उसमें बता चुका हूं कि 700 स्क्वायर फीट छत ढलाई में कितना सरिया लगता है। तो अगर डिटेल्ड वीडियो देखना है तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, उसी का जो मेरा रिजल्ट आया था उसको मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ सरिया में, और साथ ही साथ सीमेंट और सेंड और एग्रीगेट का कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 10 mm का सरिया लगता है वो कितना लगा था, 52 नंबर ऑफ हमारा 10 mm का सरिया लगने वाला है, ठीक है। और 8 mm का सरिया जो लगने वाला है, 47 नंबर ऑफ 8 mm का सरिया लगने वाला है। और हमारा 12 mm का सरिया कितना लगने वाला है, 25 नंबर ऑफ 12 mm का सरिया लगने वाला है। और 10 mm का एक सरिया का वेट कितना होता है, 7.407 kg, ठीक है। उसके बाद 8 mm का कितना आता है, 4.7 kg का एक बार होता है, ठीक है, नंबर ऑफ बार इतना लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पर बार का वेट एक बार का कितना होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग केजी आ जाएगा। और 25 mm का 12 mm का आता है 10.66, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आप लोग खुद से भी मल्टीप्लाई करें जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और जल्दी से आप लोग सीखते भी जाएंगे कैलकुलेशन को। तो आप लोग जब भी, अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है तो उसमें आप लोग क्या करें, कॉपी लेके बैठें, कोई भी वीडियोस देखें, कॉपी लेके बैठें, ताकि आपको इसका नॉलेज भी मिलता जाए। 52 इंटू कर देंगे 7.407। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपको इंड रिजल्ट से मतलब है, तो आपको कोई मतलब नहीं, इंड रिजल्ट 885 kg आपको क्या लगने वाला है, 10 mm का सरिया, आपको ये रिजल्ट से मतलब है सिर्फ। 4.7 इंटू, अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग भी सीख सकते हैं आराम से, 221 kg क्या लगने वाला है हमको, 8 mm का सरिया लगने वाला है। और 12 mm का सरिया कितना लगने वाला है, उसमें भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सिर्फ मैं मल्टीप्लाई करके नहीं रखा था, 266 kg। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से सारा हमारा केजी में आ गया, ठीक है, इतना केजी हमको लगने वाला है। तो टोटल हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं, 385 kg प्लस 221 kg प्लस 266 kg, तो टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 872 kg हमारा सरिया लगने वाला है। तो रेट हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट कर देते हैं। एक सरिया का जो हमारा स्टील का डिपार्टमेंट है वो खत्म हो गया, सेकंड हमारा आता है सीमेंट, सीमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले, इससे पहले वीडियोज में मैं समझा चुका हूं कि 1 m³, ठीक है, 1 m³ कंक्रीट में हमारा कितना बोरी सीमेंट लगता है, सैंड लगता है और एग्रीगेट कर लगता है। तो 400 kg 1 m³ कंक्रीट में 400 kg जो लगता है हमारा, क्या लगता है, सीमेंट लगता है, ठीक है। और 15 CFT क्या लगता है, बालू लगता है। ये M20 ग्रेड का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोग बालू ज्यादा मिक्स कर रहे हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बालू का क्वांटिटी क्या, आपको छत ढलाई टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा मंगवाना पड़ेगा। तो मतलब 8 bags, 400 kg मतलब 8 bags हो गया, ठीक है। तो ये बातें हो गई, तो ये 1 m³ में होता है। तो टोटल हमारा एरिया कितना है, 700 स्क्वायर फीट छत हम लोग ढाल रहे, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं 5.5 इंची से 5 इंची तक ढलाई करते हैं, तो हम लोग 5.5 इंची मान के चलते हैं, ठीक है, 5.5 इंची है। इसको डिवाइड 12 करके आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा फीट में। तो यहां से क्या होगा, क्यूबिक फीट में आपको मिल जाएगा, क्यूबिक फीट में 700 × 5.5 / 12, तो यहां से आ जाएगा 320.83। इतना CFT आपको कंक्रीट चाहिए, ठीक है, इतना CFT कंक्रीट है। इसी में आपको निकालना पड़ेगा कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा।
तो एक सीएफटी का नहीं है, मीटर क्यूब का दिया था। इसको सबसे पहले आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको 35.3 से डिवाइड कर दीजिए, तो वहां से आ जाएगा 35.3 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, यहां से मीटर क्यूब में ये आ जाएगा। ठीक है, 35.3 से आप डिवाइड कर लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग, सबसे पहले जान लीजिए एक फीट इक्वल टू कितना मीटर होता है, 0.30। अगर बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद है तो उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। इतना 1 फीट इक्वल टू 0.3048 मीटर होता है। इसी से सारा कन्वर्जन हो जाता है, फीट मीटर मिलीमीटर में, आप इंचेस में जितना आप खेल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 35.3 से मैं भाग दे दिया तो यहां से आ जाता है 9.08, तो मान के चलिए 9 मीटर क्यूब। टोटल हमें 9 मीटर क्यूब कॉन्क्रीटिंग करना है, तो एक का हमको पता है, यहां पे देख सकते हैं एक का हमको पता है, तो 9 का हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक का पता है 8 बैग, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 × 8 तो कितना हो गया, 9 × 8 = 72। ठीक है, तो 72 बैग क्या हो गया। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे कि मैं ग्रीन कलर कर लेता हूं। ठीक है, 72 बैग क्या हो गया हमारा, सीमेंट लग गया। अब सेंड कितना हो जाएगा, 15 सीएफटी लगना है, 15 × 9 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 9 कर लीजिए। अगर इसमें ग्रेडिंग आप लोग चेंज करते हैं, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि अगर M20 की जगह 1.5-3 का मसाला हमको देना चाहिए, अगर 1-2 आप 4 का मसाला दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड का मात्रा ज्यादा दे रहे हैं तो सेंड का मात्रा आपको बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा करके मंगाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखें। और हम लोग एग्रीगेट क्या चलेंगे, एग्रीगेट कितना होता है, 1 CFT में 30 लगता है, तो टोटल हमें 1 मीटर क्यूब में 30 CFT लगता है, तो टोटल हमारा 9 मीटर क्यूब आ गया। तो 30 × 9 कर देंगे, जस्ट डबल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 270 CFT। 1 CFT का अब मैं क्या करता हूँ, रेट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमारा स्टील आता है, ठीक है, स्टील हमारा कितना केजी होता है, टोटल हमारा 872 केजी होता है। ठीक है, 872 केजी इंटू मैं 75 कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि 70 रुपए लोकल स्टील चल रहा है और 80 रुपए चल रहा है आपको जो हाई ब्रांड है, टाटा टिस्कॉन है, JSW है, जिंदल, ये सब का चल रहा है, तो मैं बीच का पकड़ के चल रहा हूं 75। उसके बाद मैं चलता हूं, आप सीमेंट पे चलिए, ठीक है, सीमेंट की बात कर लेते हैं। तो सीमेंट आपको कितना बैग लगना है, सीमेंट 72 बैग लगना है। सीमेंट का जो रेट चल रहा है अभी कितना, 380 रुपए पर बैग चल रहा है। अगर आप प्रीमियम लीजिएगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, 400 के आसपास पड़ने वाला है, मैं सुपर का बात कर रहा हूं तो 380 तक में मिल जाएगा। ठीक है, अब सेंड का हम लोग बात कर लेते हैं, सेंड लगता है 135 CFT, तो पर CFT जो अभी सेंड चल रहा है, अच्छा सेंड, रिवर सेंड आपको मिल जाएगा कितना, 50 रुपए पर CFT से। उसके बाद एग्रीगेट का बात कर लेते हैं, एग्रीगेट कितना आता है, 270 CFT इंटू कितना पड़ेगा, 60 रुपए से 65 रुपए भी चल रहा है, तो मैं 60 रुपए पकड़ के चलता हूं। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 872 × 75 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 65,400। ठीक है, ये वेरी कर सकता है आपके मार्केट में क्या रेट है, क्वांटिटी यही रहने वाला है, आपका रेट वेरी करेगा, तो आप लोग खुद से भी कैलकुलेट ये चीज कर सकते हैं, आपके मार्केट में क्या रेट है उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करें तो आप लोग को एग्जैक्ट फिगर मिल पाएगा। और ये रफ कैलकुलेशन है, अगर आप डेप्थ इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, घटा देंगे, तो ये फिगर चेंज हो जाएगा एकदम से, तो इसीलिए ये एकदम रफ एस्टिमेट है। हाँ, ये जिस तरीका जो है ये तरीका सेम रहने वाला है, तो तरीका आप लोग कॉपी कर सकते हैं, तरीका को समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग अपने घर का एस्टिमेट निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, 270 × मेरा क्या हो जाएगा, 60, तो कितना हो जाएगा, 16,200 टोटल जो खर्चा आएगा, इसको मैं जोड़ लेता हूं, 6540 प्लस 65,400 27,360 6,750 16,200 आपको एग्रीगेट का हो गया, तो टोटल आपको आ गया 1,15,710 रुपए,
ठीक है, ये आपको मटेरियल का लग गया, इतना खर्चा मटेरियल में आपको लगेगा, और लेबर कॉस्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूं, लेबर कॉस्ट आपको ₹50 पर स्क्वायर फीट छत ढलाई में खर्चा आ जाता है, ठीक है, तो इंटू 50 कर लीजिएगा, तो 35,000 आपको लगने वाला है लेबर का, ठीक है। मैं सिर्फ मटेरियल का बात करने वाला था, लेकिन लेबर का भी लिख दिया, लेबर का जो आपको खर्चा आता है वो आपको ₹50 पर स्क्वायर फीट से 35,000 आ जाएगा, तो 35,000 जब ऐड कर दीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा, 35 + 15 तो हो जाता है 50,000, 1,50,710 रुपए मटेरियल प्लस लेबर के साथ अगर 700 स्क्वायर फीट ढलाई करते हैं तो आपको 1.5 लाख के आसपास खर्चा जाएगा, ठीक है। 1.5 लाख से आप थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, 1,70,000 के आसपास रखेंगे, क्योंकि छोटा मोटा खर्चा ढलाई में बढ़ते ही है, घटते नहीं है, तो मैं मान के चलता हूं 1.5 लाख के आसपास आपका खर्चा जाएगा 700 स्क्वायर फीट छत ढलाई में मटेरियल प्लस लेबर के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, आशा करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपना कमेंट जरूर दें, कैसा लगा आप सभी को।